रणवीर कपूर बॉलीवुड के मोस्ट फेवरेट एक्टर्स में से एक है। रणवीर ने इंडस्ट्री को कई बेहतरीन फिल्में भी दी हैं। हालांकि फिल्मों से ज्यादा रणवीर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा चर्चों में बने रहते हैं। रणवीर आलिया से पहले बॉलीवुड की कई खूबसूरत और टॉप एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके हैं। हालांकि रणवीर अपनी पर्सनल लाइफ पर बेहद कम बात करते हैं, बहुत कम चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिरकार रणवीर कपूर ने ऐसे कौन कौन से खुलासे किए हैं। दरअसल रणवीर कपूर जल्द ही निखिल कामत के पीपल बॉय WTF पॉडकास्ट में नजर आने वाले हैं, जिसका एक छोटा सा ट्रेलर अभी सामने आया है। इसमें रणवीर कपूर होस्ट के साथ बैठकर कई मुद्दों पर बात करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान रणवीर ने अपनी डेटिंग लाइफ पर भी खुलकर बात की। रणवीर ने कहा कि मैंने पहले दो बहुत टॉप एक्ट्रेसेस को डेट किया जो मेरी पहचान बन गई। मुझे कैसोनोवा और धोखेबाज होने का टैग मिला। मैं अपने लाइफ के बहुत बड़े हिस्से में धोखेबाज होने के लेबल के साथ जी रहा हूँ। मैं अभी भी इसके साथ जी रहा। रणवीर के अगर वर्क फ्रंट की बात की जाए तो एनिमल में आखिरी बार नजर आए थे। इस फिल्म में उनका किरदार काफी धमाकेदार था। रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी के साथ एक्टर की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिली थी। वहीं अब एक्टर रामायण में राम का किरदार निभाएंगे और वो अभी इसी की शूटिंग में लगे हुए हैं। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण में रणवीर कपूर और साई पल्लवी लीड रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा रणवीर कपूर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल के सीक्वल एनिमल पार्क में डबल रोल में आपको दिखाई देने वाले हैं। वो अबरार के छोटे भाई अजीज और रणविजय की भूमिका में आपको नजर आने वाले हैं।